भाजपा नेता एवं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निरमंड में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में मोदी सरकार बनने से अब कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरह से विपक्षी पार्टी एक हो रही है, उनका हशर चुनाव परिणाम के बाद देखने को मिलेगा। जैसे पानी और तेल मिलने के बाद दोनों चीजें अलग अलग ही नजर आती है, वैसे ही इन पार्टियों को देखने के बाद भी यही होगा। भाजपा नेता एवं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निरमंड में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में मोदी को रोकने के लिए जिस तरह से विपक्षी पार्टियां एक हो रही हैं, उनका हर्ष चुनाव परिणाम के बाद वैसा होगा जैसे पानी और तेल मिलाने के बाद दोनों चीजें किसी काम की नहीं रहती। उन्होंने मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय और उनके दादा पंडित सुखराम के बारे में चुटकी लेते हुए कहा कि दोनों ने मिलकर भाजपा से टिकट मांगने की स्कीम बनाई थी। उसके बाद वे दोनों उनसे मंडी से लोकसभा की टिकट की मांग करने लगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हाईकमान तय करेगा। सुखराम परिवार के भविष्य की दुहाई देने लगे थे, लेकिन उन्हें तो देश प्रदेश की भविष्य की सोचनी है, जनता के बारे में सोचना है, किसी परिवार का नहीं। मेरा हो गया, होता रह गया, इन सारी चीजों को लेकर के वो सपने को साकार करने में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ उनके बारे, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ आखिरकार एक सीमा होती है मंडी के लोगों के, मंडी लोकसभा क्षेत्र के लोगों, मंडी कुल्लू के लोगों की व्यवस्था नहीं, आपकी मजबूरी हो सकती है परिवार, लेकिन हमारी मजबूरी नहीं है। हमारी मजबूरी ये है कि हम समाज का हित चाहते हैं, देश का हित चाहते हैं। हमारे लिए समाज हमारा परिवार है, हमारे लिए देश हमारा परिवार है, प्रदेश हमारा परिवार है। निर्मल में उन्हें सुनने आई महिलाओं की संख्या को देखकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से महिलाएं घरों से निकलकर सभाओं में सुनने के लिए आ रही हैं, उसे साफ है कि लोगों ने भाजपा को जीतने का मन बना लिया है। जब आपके बीच में आता हूं, देखता हूं, वही नजारा हमारी माता बहने सिर में डाकू पहन करके, सदरी पहन करके खेत के लिए जा रही है, काम के लिए आ रही है, जो हमारे गाँव में अपने घर गाँव में हम देखते हैं उसी तरह। तो इसलिए हमारा रिश्ता, हमारा संबंध, हमारी संस्कृति, हमारा रहना सहना, हमारा सब कुछ एक जैसा, तो इसलिए एक जैसे होकर के हमको चलना, इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ। आपकी मजबूरी होगी, विवशता होगी कि आपका सपना आपके परिवार के लिए, लेकिन हमारा सपना देश के लिए है। हम देश के चाहते हैं कि मजबूरी विदेश के प्रधानमंत्री बने, हमारे लिए सपना हमारा देश मजबूत होना चाहिए, हमारे लिए सपना हमारा हिमाचल मजबूत होना चाहिए, हमारे हिमाचल प्रदेश में मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए हमको काम करना है, हमारा सपना ये है, हम सपने को साकार करने और। इससे पूर्व आनी के विधायक किशोरी लाल ने भी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि मंडी हलके के भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप को इस बार पहले से अधिक मतों से बीजी बनाए। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान रामपुर व निर्मंड में दर्जनों कांग्रेसी भाजपा में शामिल हुए।